लाहौर में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग का वाकया, फायरिंग से एक शख्स जान बहक हुआ और जबकि एक जख्मी हो गया है। दोनों शहरी अदालत में पेशी से वापस आ रहे थे। आपको बताते चलें, लाहौर में ये वाकया पेश आया है, देरीना दुश्मनी पर फायरिंग का वाकया, फायरिंग से एक शख्स जान बहक, एक जख्मी, दोनों शहरी अदालत पेशी से वापस आ रहे थे। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं मलिक मुश्ताक जी। मलिक मुश्ताक बताइएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर लिटिल रोड का वाकया है कि फायरिंग से एक शख्स जान भाग जबकि दूसरा जख्मी हुआ। शिनाख्त करने पर शराफत अली का नाम सामने आया है, जो शख्स जान भाग हुआ है, जबकि हुसनैन नामी शख्स शदीद जख्मी है। इब्तदाई तफ्तीश में यह मालूम हुआ है कि दोनों अपना अदालत में गए थे किसी तारीख पेशी के लिए, वहां से वापिस आ रहे थे अपनी पेशी से, तो मुखालफ पार्टी ने जो है इन पर हमला किया, जिसकी वजह से जो है शराफत मौके पर ही जान भाग हो गया, जबकि हुसनैन की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसे करीबी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि ये पुरानी दुश्मनी का कोई शाखसाना लगता है, ऐसा लगता है कि ये चूंकि आज इनकी तारीख थी, ये अदालत में गए थे जब इनका ताकुब किया जा रहा था अदालत से ही, और जब ये लिटन रोड पर पहुंचे तो मुखालफीन ने जो है इनका फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में जो है एक शख्स हलाक जब दूसरा जख्मी हो गया है। पुलिस ने जो कि लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और तफ्तीश जारी है। जी पुरानी दुश्मनी का शाख्साना लगता है। मलिक मुश्ताक आपका शुक्रिया।